जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। दर्शकों, आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं समस्त समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सभी धर्म प्रेमी दर्शकों को जय जिनेंद्र। दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्याओं से परेशान हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर या लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। पारस चैनल के माध्यम से हमारे पास कुछ मेल आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सहारनपुर से आदित्य जैन का मेल आया है। उनका सवाल है कि मेरी नौकरी लगने में कई प्रकार के अवरोध आते हैं, मैं जहां भी जाता हूं मुझे असफलता ही हासिल होती है, मेरी नौकरी कब लगेगी? मैं कंप्यूटर का कार्य जानता हूं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1987 और टाइम है सुबह 10:30। आदित्य जैन जी, आपकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है और इसमें मैंने पाया है कि आपके कुंडली में ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष दोष नहीं है जिससे कि आप घबराएं। आपकी चंद्रमा की ग्रह चल रही है, चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है, आपके दोनों ही ग्रह सही हैं, कोई खराब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ऊपर वाला जब कोई भी काम के लिए देता है तो आप उसको काम को ऐसा लगता है कि शायद फ्री में कर देते हैं, तो जो नौकरी भगवान ने आपको दी है, देना चाहता है, वो आप अपने आप ही फ्री में लोगों का काम करके वो आप उसको उसके योग को ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि एक तो आप किसी का भी काम फ्री में ना करें, अगर करना है तो पैसे ले, नहीं कर अगर वो पैसे नहीं दे सकता है तो आप काम ना करें, क्योंकि आप ऊपर वाले की व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते। जो किसी को भी गरीब अगर या अमीर या किसी को ना देने लायक बनाया है तो ये ऊपर वाले ने बनाया है। आप अपने अगर कोई काम करते हैं तो उसका आप पैसा लीजिए या अपना जो भी चार्ज बनता है वो आप जेन्युइन चार्ज लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी नौकरी में जो थोड़ी सी बाधा आ रही है वो आ रही है इसलिए कि आपका पिताजी से कोई बहुत अच्छा संबंध शायद नहीं होगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानते होंगे या कोई उनकी बात को आप गिराते होंगे या उनका कोई कहना ना मानते होंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप उनका आदर सम्मान कीजिए, 100% आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि आपको नौकरियों की लाइन लग जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दो नौकरी लगेंगी, आपकी 10 नौकरी लग सकती हैं, 10 जगह से आपके प्रपोजल आएंगे, आपको इस मामले में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आप छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ जो जैन धर्म के अनुसार ही है। भगवान नेमिनाथ के मंदिर में जाकर के 7 दिन तक लगातार एक गोला मंदिर में चढ़ा दिए जिसमें भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा हो। जरूरी नहीं है कि वो मूल नायक ही हो, अगर मूल नायक नहीं भी है और किसी भी मंदिर में भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा है तो वहाँ आप जाकर के एक गोला रोजाना 7 दिन चढ़ाइए। आपको बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको ये समस्या हल हो जाएगी, आपकी परमानेंट अच्छी नौकरी लग जाएगी। सर, पिता को खुश रखना और जॉब लगना, इससे क्या संबंध है? जिस प्रकार आपके यहाँ किसी भी सर्विस आपका या नौकरी करेंगे तो आपके यहाँ एक बॉस होता है। अब आप किसी भी जगह जहाँ जाएंगे तो नौकरी करने के लिए पहले तो बॉस से आप बात नहीं कर सकते कि भाई मेरे को आप नौकरी पर रख लीजिए। उस आपको बॉस को खुश करने के लिए आपको अपने पिता से अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप जैसे भी आप जाएंगे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लिहाजा आपको जब भी कभी अगर